हमसे गलती किया, दो बार हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिया, हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। इस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू यादव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो दोनों की एक मुलाकात का है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के सामने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल इस समय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर हैं, जहां वो पटना के इंदिरा गांधी मेडिकल साइंस संस्थान का उद्घाटन कर रहे हैं। इस दौरान जब नीतीश कुमार और लालू यादव का वीडियो सामने आया तो लोग कयास लगाने लगे कि क्या एक बार फिर बिहार की राजनीति में बदलाव आएगा। हालांकि ये वीडियो 2 साल पुराना है। ये उस समय का वीडियो है जब नीतीश कुमार लालू यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। तब नीतीश कुमार राजद के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद नीतीश कुमार ने लालू यादव पर हमला बोलते हुए क्या कहा, सुनिए। पहले वाले क्या करते थे, कुछ करते थे? अभी तक जितना बढ़ाई दे, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवे करते। हमसे गलती किया, 2 बार हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिया, हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू से साथ थे, बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा, होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ, और उसी के चलते हुआ, लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि वो अब कभी भी इधर उधर नहीं जाएंगे। इसके पहले भी वो ये बात चुनाव के दौरान पीएम मोदी के सामने कई बार कह चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज पटना के इंदिरा गांधी मेडिकल साइंस संस्थान में 188 करोड़ की लागत से तैयार किए गए आई इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का अभिनंदन भी किया। पटना से TV9 के लिए रूपेश कुमार की रिपोर्ट।